सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक नई वीडियो और चैनल के ऊपर स्वागत। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उचित और अनुचित भिन्न के बारे में जानेंगे। तो जिनके सभी जो डाउट है वो आज क्लियर करेंगे। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं भाई। एग्जाम के अंदर अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है या आते रहते हैं तो उसके सभी जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हम उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना। कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप एक प्यारा सा कमेंट करना भाई, आपको वीडियो कैसी लगती है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न होती है। भिन्न क्या होती है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक्स और एक्स बटे वाई ले लेते हैं, एक्स बटे वाई ले लेते हैं हम, ये होती है, इसको बोलते हैं हम भिन्न। भिन्न होता है बटा। भिन्न क्या होता है, बटा होता है। भिन्न क्या होता है, बटा होता है। इस संख्या जैसे हमने x बटा वाई लिया है, क्या लिया है, x बटा वाई लिया है। तो ऊपर की संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यहां तक तो आपके डाउट क्लियर हो गए भाई। ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हम हर कहते हैं। तो चलो आज हम इनके डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ जरूर करेंगे। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिस भिन्न में, जिस भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल इसके उदाहरण कौन से हैं, अब हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे हम इसमें। यहां उदाहरण, अब जैसे हम यहां कुछ उदाहरण लेते हैं तो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए भाई उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में क्या फर्क होता है, तो वो पढ़ेंगे आज हम। तो जैसे हमारे पास, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2/5 और 3/7 और 6/9 और 7/10 और 8/12। देखो इसमें क्या है भाई, ऊपर की संख्या को हमने क्या किया था, अंश लिया था, नीचे की संख्या को हमने हर माना था। तो देखो इसके अंदर 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो अगर ऐसी संख्या आती है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उसे अगर ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी अगर भिन्न आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आपको उचित भिन्न का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आगे हम पढ़ते हैं अनुचित भिन्न क्या होती है। तो अनुचित भिन्न जानेंगे हम इसमें, यहां लिखेंगे हम इसमें अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसे भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जिसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो जाए भाई, जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल इसके लेंगे हम, एग्जाम्पल हम यहां लिखेंगे हम इसमें उदाहरण। उदाहरण देखते हैं इसमें कौन से। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर जरूर करना। तो इसमें उदाहरण लेते हैं हम 3/2, 6/4 और 7/3 और 10/3 और 12/5।
तो देखो इसमें अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली होती है। हर की ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को इसमें हम हर बोलते हैं। तो अगर जैसे ऊपर की संख्या अगर बड़ी आ जाती है हमारे पास, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। और नीचे की संख्या में अगर बड़ा आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। तो आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके जो सभी जो डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब उसके तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक यू।